को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का एक तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें छह सूत्र हैं। उस छह सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेता। छह सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट कर लेना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर भी नारी तीन उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव, दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को, दूसरा ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है उसमें छह सूत्र से बेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। छह सूत्र, पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर, ये दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया, दूसरा सूत्र। कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठा। सभी जाते हो, धर लो धर लो, वापिस धर लो धर लो। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जमके, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। एक लोटा जल हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर शिव जी के पास में लेकर, ओगड़दानी के नजदीक में लेकर, एक लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जमके तो बोलो जरा, घर से। देखो दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करना। तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना, ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान
मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया, पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक पुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, एक लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेज, भगवान शंकर के धाम। और बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूट के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। सब खाली है, शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी ओंकारेश्वर की कथा में, और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि मां अपने बच्चे के हाथ पैर में, मां अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था, मां अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने। फिर हमने कथा में कहा था, बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माओं से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती। फिर अगला वर्णन करा, एक सूत्र में
वर्णन करते हुए कहा देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना ये भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है। शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर। कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना कथा में, पहुंच जाना कथा में, बैठ जाना कथा में, पहुंचकर विनय कर लेना यह अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलबम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार, शिव कथा कर देवऋषि नारद। ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि 1 सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से 1 सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देव अधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगे। 6 में से 1 सूत्र भी हमारे भीतर, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतार। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में उतारना है। या श्रावण के महीने में घोड़ लगती है, श्रावण के महीने में घोड़ लगती है, मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सरी जरा, विधि सवाल हो, बोलो सुनते हो कि नहीं सुनते, अरे बोलो तो जमते, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में 1 बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो 1 बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है जिंदगी में 1 पेड़ ना लगाया, जिंदगी में 1 वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघरदानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो 1 बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी 1 बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। कोई कह दे
शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ। कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव शिव की ओर जा रहा है, मदिरा की दुकान की ओर नहीं। शिव पर चढ़ा जल पी रहा है, मदिरा नहीं। शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। यह हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खाओ। जल वृष्टि अपनी जगह होगी, कीचड़ भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ होगा, पर सबसे ज्यादा खुशी पूरे विदिशा वालों को होना चाहिए कि मेरा शंकर तुम्हारी नगरी में 7 दिन आकर विराजमान है। संपूर्ण विदिशा वासियों, और इन शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला है। अपनी तिजोरियों के ताले खोलो और दोनों हाथों से इनका मुख झूठा कराओ। बन सके पानी पिलाओ, बन सके उनको कुछ खिलाने का प्रयास करो, बन सके सेवा करो। किसी को नहीं दे सकते, अपने हाथ से अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दिल से खिलाओ, करो सेवा। हम हर कथा में कहते हैं, इस कथा में भी कहकर जा रहे हैं, एक डायरी लो, उस डायरी में लिख लो कि मैंने 30 तारीख से कथा प्रारंभ हुई, 6 तारीख तक चली, उस बीच में मैंने 3 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया, लिख कर रखना। 3 महीने में हमको सूचना जरूर देना, हम दूर नहीं है, सीओर तुम्हारे विदिशा के पास में ही है। कभी भी आकर लिख कर देकर जाना कि 5 रुपए का पानी किसी को पिलाया था शिव भक्त को शिव पुराण में, उसका फल 1000 गुना प्राप्त हुआ कि उसके प्राण चले जाते हैं। तो शंकर नंदी लेकर आकर देवराज नाम के ब्राह्मण को शिव धाम ले जाता है। एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव करोड़ों करोड़ों पाप को समाप्त कर देते। कभी मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर एक भगवान का किया गया भजन सुख प्रदान करता। आपको घर जमीन जायदाद देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले भगवान शंकर आने वाले शिव भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, राम की शरणागति प्रदान करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ दिया जाता है